कईयों को संस्कार होता है, सास सास बहु के बीच में ये निंदा चुगली पैदा होता है, और पैदा होता है निंदा चुगली। मैंने एक एक्सपीरियंस सुना था, एक बहू ने उसके सास के बाद बोला, भाई कि हमारा ये है ना, सास है ना, वो हमेशा मुझे निंदा करता है, चुगली करता है, कैसे करता है ऐसे भाई जी, वो कुछ नहीं, पड़ोसी की घर के बहू होता है ना, उसको लेकर के मुझे बोलते देखो, उस घर की बहू है ना, वो कितना उसकी सासू माँ की बात सुनता है, वो कभी भी उसके माँ बात से तो हटता नहीं है, कितना अच्छा बहू है ना, वो मुझे ही वो बोलता है। इसका मतलब वो बोल रहे उसको नहीं, तुमको, वो बात सुन रहे है ऐसे नहीं, तुम मेरे पास सुनो। मना क्या है, कई बोलते हैं एक कपड़े जो होता है ना, एक कपड़े को भिगाए बिना ही कई क्या करते हैं, वॉश करते हैं, ऐसे अंदर क्या करते हैं, अंदर क्या करते हैं, किसी को ऐसे तरीके से बोलता है जो थर्ड पर्सन है ना, तीसरे व्यक्ति का नाम लेकर के आपको बोलते हैं, अंदर कांटे जैसे चुगना है, ऐसे चुपचे रहते, वो नेचर किसका होता है, क्रोधित, क्रोधित क्यों, एक्सपेक्टेशंस आर लो, इस संसार में अगर एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं, समझो मेरे पास पूरा दुनिया में सभी को माना सभी 99.9% एक्सपेक्टेशंस ना रहे वैसे कितना मुश्किल है, एक है जो जीरो एक्सपेक्टेशन वो है मेरा बाबा, वो है मेरा बाबा। मनुष्य को इसलिए क्या कहते हैं, डिफेक्ट, परमात्मा को इसलिए कहते हैं परफेक्ट। परफेक्ट मतलब जीरो एक्सपेक्टेशन, जिसका कोई तरह का भी अपेक्षाएं नहीं, सब कुछ बच्चों को देते, सब कुछ बच्चों पर रखते हैं, खुद चिप जाता है उसकी विशेषताएं हमें बरते, उसकी ज्ञान हमें बरते, उसकी शक्ति हमें बरते, उसकी कला हमें बरते, उसका सब तरह के वरदान हमें बरता है, उसका दुनिया हम द्वारा क्रिएट कराता है, लेकिन वो खुद क्या होता है चिप जाता है, उसी को कहते हैं भगवान। तो दुनिया में जीरो एक्सपेक्टेशन देखना है तो एक शिव बाबा परमात्मा को भी देख सकते।